हेलो गाइस, वेलकम टू अटंडी डिजिटल एजुकेशन। मैं अंकित सोनी आज लेकर आया हूँ ANM के लिए सैंपल पेपर नंबर 2। जैसा कि पता है कि पिछला पेपर कल आया था और आज दूसरा पेपर लेकर आए हैं। ऐसे 5 पेपर हम लेकर आने वाले हैं एग्ज़ाम के पहले। सो गाइस, इसमें 150 क्वेश्चन है जो 50 की एम पी जी के से हैं, और जो 100 क्वेश्चन है वो है साइंस से रिलेटेड। तो चलिए फटाफट देर न करते हुए शुरू करेंगे। और गाइस, इस पेपर में ये है कि चारों ऑप्शन आपको दिए हैं, लेकिन हम इस पर राइट आंसर पर ही बात करते हैं क्योंकि टाइम की कमी के कारण, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो और सही जानकारी हम प्राप्त कर सकें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि जनरल नॉलेज से है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को खालिस्तान कहा जाता है। सो गाइस, यहाँ पर जो सही आंसर है, बुंदेलखंड कहा जाता है ऐसे इस एरिया को, बुंदेलखंड जो है इसमें सही आंसर हम देखेंगे। ओके गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से किसका शासन था, मतलब खालिस्तान का शासन था। तो जो इसमें सही आंसर है वो है गोंड, गोंड का शासन था मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिसके नाम का मतलब मोर की जगह है, मध्य प्रदेश में वह जिला है, रतलाम, रीवा, धार, मुरैना। जैसा कि नाम सही जा है, समझ में आ रहा है कि मुरैना ही ऐसी जगह है, तो इसका जो सही आंसर मुरैना है, मोर की जगह से इसका नाम भी हम समझ पा रहे हैं, मुरैना ऐसी जगह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर खालिस्तान पर मिलते हैं। तो ये चार ऑप्शन, इसमें जो सही आंसर जो है महाकौशल, नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर जो है महाकौशल पर मिलते हैं। गैस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ANM के एग्जाम के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं जिनमें आदिवासी आबादी का 50% है। तो ये कुछ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो सही आंसर पर हम बात करेंगे, तो जो सही आंसर है वो है धार, मंडला और झाबुआ। धार, मंडला और झाबुआ जो है सही आंसर है। ये वो 3 जिले हैं जिनमें आदिवासी की आबादी 50% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्म पार्क में सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म है, ये 4 जीवाश्मों के नाम दिए हुए हैं, इनमें से सही आंसर है पाम जीवाश्म जो है जीवाश्म पार्क में सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म है, पाम जीवाश्म सही आंसर। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म पार्क किस जगह में स्थित है खालिस्तान पे। यहाँ पे हमको ये 4 शहर दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश के, तो जो इसमें सही आंसर है, जीवाश्म पार्क जो है कटनी में स्थित है, जीवाश्म पार्क कटनी में स्थित है, कटनी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांधवगढ़ अभयारण्य में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है, किस सन में से राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है। तो जो 4 सन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर जो है 1968 है, 1968 जो है इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है कितना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन। मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है 308.24 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो भौगोलिक क्षेत्र सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ा भारतीय हिरण है, ये 4 प्रकार के यहाँ पर नाम दिखाया गया हिरणों का। सबसे बड़ा भारतीय हिरण जो है वह सांभर है, सबसे बड़ा भारतीय हिरण सांभर है। चलिए अगला क्वेश्चन। फेन अभयारण्य में है किस जगह पे, मतलब हमें इसमें बताना है फेन अभयारण्य इनमें से किस जगह पे है। 4 ऑप्शन, सही ऑप्शन मंडला, फेन अभयारण्य जो है मंडला में है, मंडला इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीडी के 2 अभयारण्य हैं, सीडी के जो 2 अभयारण्य यहाँ पर कुछ 2 अभयारण्यों के नाम है, तो इसमें संजय डबरी और बगदरा दो जो हैं सीडी के 2 अभयारण्य, इनको जो सही आंसर है संजय डबरी और बगदरा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केन घड़ियाल अभ्यारण्य खालिस्तान में स्थित है, ये कुछ जगहों के नाम, केन घड़ियाल अभ्यारण्य
छतरपुर में स्थित है। केन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर में स्थित है, छतरपुर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, बाघों की सबसे बड़ी घनत्व वाली अभ्यारण्य खालिस्तान अभ्यारण्य है, तो जो है सही आंसर है बांधवगढ़। बाघों की सबसे घनी घनत्व वाली अभ्यारण्य जो है बांधवगढ़ है, जो कि उमरिया जिले में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, चंबल नदी का प्राचीन नाम है। चंबल नदी का प्राचीन नाम इनमें से चार नदियों के नाम, चंबल नदी का जो प्राचीन नाम है वो है चमरवती, जो है प्राचीन नाम है चंबल नदी का। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, नदी जो कि इंदौर में से निकलती है, कौन सी नदी है वो? छिप्रा नदी है जो इंदौर से निकलती है, छिप्रा इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश भारत में खालिस्तान का सबसे बड़ा भंडार है, भंडार घर है, तो यहाँ पर जो है तांबा, मध्य प्रदेश में तांबा जो है सबसे अधिक लौह अयस्क के रूप में पाया जाता है यहाँ पर, सॉरी तांबा जो है यहाँ का सबसे बड़ा भंडार है तांबा। अगला क्वेश्चन, चौलिक एक खालिस्तान है, चौलिक एक इनमें से झरना है, चौलिक जो है एक झरना है, चौलिक झरना का नाम है। बड़े से छोटे आकार क्षेत्र के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रीय पार्कों को व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पर कुछ पार्क दिए हुए हैं उनको बड़े से छोटे आकार में जमाना है, तो ये आप ध्यान से देखिए इन पार्कों को, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं ध्यान से। तो इसका मैं सही आंसर पे बात करूँगा, तो जो कान्हा सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा बांधवगढ़, उससे पन्ना, फिर ये बड़े से छोटे के आकार में ऐसा जमा गया, तो ये जो सही आंसर है कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना, ये सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदी जो कि गहरी घाटियों और सकरी घाटियों नालों का निर्माण करती है वो खालिस्तान है, तो यहाँ पर जो चंबल नदी है वो गहरी घाटियों और सकरी घाटियों नालों का निर्माण करती है, चंबल नदी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेत्रावती नाम खालिस्तान नदी को दिया गया था, वेत्रावती जो नाम है वेतवा को दिया गया था, बेतवा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकाल पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों का स्रोत हैं और इसलिए इसको खालिस्तान कहा जा सकता है, इसको वाटर सेट कहा जा सकता है, वाटर सेट जो है सही आंसर है। बरोदिया नदी में एक सिंचाई नहर है, बदोरिया खालिस्तान नदी में एक सिंचाई स्थान है, तो यहाँ पर जो है आंसर जो है चंबल। देखेंगे आप मोस्टली क्वेश्चन जो है नदियों से आ रहा है, आपके सिलेबस में भी जो है नदियों का जो है रखा गया है, आपका सिलेबस में भी नदियों की जानकारी आपको होनी ही चाहिए ANM के एग्ज़ाम के लिए। तो जो चंबल नदी इसका सही है, बदोरिया चंबल नदी में एक सिंचाई नहर है, तो जो सही आंसर है चंबल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेनीगंज जिले में एक सिंचाई नहर है, बेनीगंज खालिस्तान जिले में एक सिंचाई नहर है, यहाँ पर चार जिलों के नाम जिनमें सही आंसर है छतरपुर, बेनीगंज छतरपुर जिले में एक सिंचाई की नहर है, सही आंसर छतरपुर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के राज्य के बेहतरीन सागौन का जंगल खालिस्तान में पाया जाता है, तो यहाँ पर चार जो जंगल है अभ्यारण्य जो दिखाई दे रहे हैं इनमें जो सही आंसर है वो है रातापानी बाघ अभ्यारण्य, जहाँ पर बेहतरीन सागौन के जंगल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जल ग्रहण मिशन खालिस्तान वाटर शेड मिशन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सही आंसर है वो है राजीव गांधी वाटर शेड मिशन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जल ग्रहण मिशन है राजीव गांधी वाटर शेड मिशन। अगला क्वेश्चन, सिंचाई के संदर्भ में ERM खालिस्तान को दर्शाता है, चार आंसर जो है यहाँ पर देखिए, सही आंसर जो है विस्तार नवीनीकरण और आधुनिकीकरण को दर्शाता है, तो गैस ये जो है हमारा सही आंसर है विस्तार नवीनीकरण और आधुनिकीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विस्तार नवीनीकरण और आधुनिकीकरण उसका सही आंसर था। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अपर तिवारा नहर परियोजना खालिस्तान में स्थित है,
तो सिवनी जिले में स्थित है। अपर तिवारा नहर परियोजना सिवनी जिले में स्थित है। सही आंसर जो सिवनी जिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है क्योंकि यह एक दरार घाटी से होकर गुजरता है। इसका जो सही आंसर है, यह एक दरार घाटी से होकर गुजरता है। ये जो इसका सही आंसर है, यह एक दरार घाटी से होकर गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक पंच एक तालाब खाली स्थान है। कुएं और टैंकों के निर्माण के लिए पंचायत स्तर परियोजना, ये जो है एक घर एक पंच एक तालाब जो है कुएं और टैंकों के निर्माण के लिए एक पंचायत स्तर परियोजना है। तो इसका जो सही आंसर है, तीसरा जो सही आंसर है, कुओं और टैंकों के निर्माण के लिए पंचायत स्तर परियोजना। अगला क्वेश्चन। इंद्रावती की घाटी में खालिस्तान नदी है, तो यहाँ पर गोदावरी नदी है। गैस नदियों को लेकर बहुत से क्वेश्चन हैं, तो विशेष ध्यान से इसे पढ़ें। इंद्रावती घाटी में गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन। आप करेवा पर जाएं तो निकटतम पर्यटन स्थल खालिस्तान है। करीबा पर जाएं तो एक निकटतम पर्यटन स्थल जो है ग्वालियर, शिवपुरी और मुरैना है। तो यहाँ पर देखते हैं सही आंसर, ग्वालियर, शिवपुरी और मुरैना। अगला क्वेश्चन। वो राजवंश जिसका तीसरी शताब्दी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था। सातवाहन राजवंश थे जिनका तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था। सातवाहन जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर कहाँ खालिस्तान के पास स्थित है? तो यहाँ पर नरसिंहगढ़ में स्थित है। नरसिंहगढ़ सही आंसर। अगला क्वेश्चन। घुमाऊ महल को खालिस्तान भी कहा जाता है। घुमाऊ महल को हिंडोला महल भी कहा जाता है। हिंडोला महल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। माहेश्वर एक मंदिरों का शहर है और यह खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। यह जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है कि इस शुंग शासक ने सांची स्तूप नष्ट कर दिया था, तो इनमें से किस शुंग शासक ने सांची स्तूप नष्ट कर दिया था? नाम लेते हैं पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने ऐसा किया था, जिन्होंने सांची स्तूप नष्ट कर दिया जाए कहा जाता है ऐसा। चलिए अगला देखते हैं। गौरी सोमनाथ मंदिर अपनी खालिस्तान के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है विशाल नंदी डाल चट्टान का उत्कीर्ण के लिए इसे जाना जाता है। सही आंसर जो है पहला। अगला क्वेश्चन। यदि आप चढ़ेज गिरता हुआ महादेव पहाड़ी अप्सरा विहार और पांडव गुफाओं को देख रहे हैं तो आप खालिस्तान में हैं, तो आप पचमढ़ी में हैं। पचमढ़ी में से ही ये सभी जगह का अवलोकन होता है। पचमढ़ी जो है सही आंसर है। खजुराहो खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो जो है हिंदू और जैन मंदिरों विदेशी वास्तुकला विश्व प्रसिद्ध नतमा स्व उपरोक्त सभी। तो जो आंसर इसका सही उपरोक्त सभी, ये सभी चीज़ों के लिए इनमें से जो ऑप्शन है सभी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन। 1818 में राजधानी महेश्वर से इंदौर में इनके द्वारा खालिस्तान स्थानांतरित कर दी गई थी। माधव राव होलकर के द्वारा ऐसा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परमार के परिवार को खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया था। राष्ट्रकूट के द्वारा स्थापित किया गया था परमार के परिवार को। अगला क्वेश्चन। निम्न में कान्हा किसके लिए जाना जाता है? ये एक प्रकार का क्या है, इनमें से आप देख सकते हैं। कान्हा तो राष्ट्रीय उद्यान है, जैसा कि पढ़ा था राष्ट्रीय उद्यान। बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी है? तो सतना में सतना नदी ही बहती है। सतना नदी, इसका सतना ही सही आंसर है। किस नदी का दुशाख से बना द्वीप है
जिस पर श्री ओंकार मतदाता का मंदिर स्थित है। चार ऑप्शन, इसमें सही ऑप्शन नर्मदा है, नर्मदा सही ऑप्शन है, नर्मदा नदी पर दुसाक से बना द्वीप है। अगला क्वेश्चन, भोपाल के नवाब थे, भोपाल के नवाब इनमें दिया गया है, फैज मोहम्मद खान जो थे भोपाल के नवाब थे। अगला क्वेश्चन, मैकाल से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। यहाँ पर चार, तो जो मैकाल से उत्पन्न होने वाली नदियाँ जो है नर्मदा व सोन है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में से कौन सा बांध पहले पूर्ण हुए बांधों में से एक है। तो यहाँ पर नर्मदा नदी से बने हुए जो बांध है उनमें चार दिखाए गए हैं, तो इनमें जो सबसे पहले जो बना था बांध पूर्ण हुआ था, बरगी बांध जो है सही आंसर है इसका। ये बहुत बड़ा बांध है बरगी बांध। अगला क्वेश्चन, शहडोल जिले के बांधवगढ़ पहाड़ियों के खालिस्तान पर्वतमाला में स्थित है विंध्य, बांधवगढ़ पहाड़ियों के विंध्य पर्वतमाला में स्थित है विंध्य जो इसका सही आंसर है। मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों के लिए लिखा था जो सतना में पैदा हुए थे, ऐसे कौन से लेखक हैं जिन्होंने मिस्टर इंडिया फिल्मों को लिखा था, सतना से हैं, शरद सक्सेना जो है इनका सही आंसर, शरद सक्सेना जिन्हें मिस्टर इंडिया के लिए लेखक थे। तो गैस ये थे 50 क्वेश्चन जो कि जीके से थे। अब चलते हैं हम साइंस के टॉपिक पे और यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं। हेलु धूमकेतु प्रत्येक खालिस्तान के बाद दिखता है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो 76 वर्ष, 76 वर्ष के बाद हेली धूमकेत दिखता है, 76 वर्ष जो है इसका सही आंसर है। ओरियन एक तारामंडल है, ओरियन जो है एक तारामंडल है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य की दूरी खालिस्तान से मापी जाती है, तो ये जो है एंगस्ट्रॉम से मापी जाती है, एंगस्ट्रॉम सही आंसर। समय जानने के लिए अंतरिक्ष यात्री को किसकी आवश्यकता होती है, एक स्प्रिंग वाली घड़ी की आवश्यकता होती है, एक स्प्रिंग वाली घड़ी की आवश्यकता होती है, सही आंसर। अगला क्वेश्चन, एक क्विंटल कितने के बराबर होता है, तो एक क्विंटल जो है 100 किलोग्राम के बराबर होता है, आसान क्वेश्चन है ये। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर, पदार्थ की मात्रा किसमें मापी जाती है, पदार्थ की मात्रा जो है मोल में मापी जाती है, पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, 0.01 सेंटीमीटर को SI इकाई में कैसे व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर जो सही आंसर है 1×10⁻⁴ से इसे SI में व्यक्त करेंगे, तो जो सही आंसर है 1×10⁻⁴ मीटर जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा के समान अवस्थाओं के बीच समय अंतराल को चंद्रमास कहते हैं, चंद्रमास कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 लीटर कितने के बराबर होता है, इनमें दिए गए ऑप्शन में देखते हैं 1.0 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, तो सही आंसर जो है 1.0 डेसीमीटर क्यूब जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, स्थायी रूप से कठोर जल में कौन सी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, तो इसमें जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट, ये जो है इनमें पाया जाता है मुख्य रूप से, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट, सही आंसर। अगला क्वेश्चन, दौड़ में एक धावक के समय अंतराल को किससे मापा जाता है, विराम घड़ी से मापा जाता है, विराम घड़ी सही आंसर। अपमार्जक यौगिक में होता है, अपमार्जक यौगिक में जो है डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, तो जो है यहाँ पर डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण इसमें होते हैं, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्युत संयोजी यौगिक खालिस्तान रखने वाले दो परमाणुओं के बीच बनता है, विद्युत ऋणात्मकता में अधिक अंतर रखने वाले
दो परमाणुओं के बीच बनता है। तो जो सही आंसर है, विद्युत ऋणात्मकता में अधिक अंतर रखने वालों के बीच ये बनता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फेरस सल्फेट का घोल मैग्नीशियम की पट्टी के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम सल्फेट और आयरन धातु देता है, एक खालिस्तान अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें तो यह जो है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक अम्ल के ट्राइग्लिसराइड को क्या कहते हैं? तेल तथा वसा कहते हैं। तेल तथा वसा कहते हैं। जब ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो वह एक कठोर पदार्थ बनाता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? यह अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन। उस भौतिक राशि की पहचान करें जिसे न्यूटन सेकंड मीटर माइनस स्क्वायर में पाया जाता है। तो जो है इसका सही आंसर है सहायता गुणांक। सहायता गुणांक वह भौतिक राशि है। विकृत गंधिका से क्या प्रदर्शित होता है? तो विकृत गंधिता से ऑक्सीकरण के कारण तेल और वसा का खराब होना प्रदर्शित होता है। सही आंसर जो है इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अणुसूत्र दिखाया गया है, तो ए और बी दो अणुसूत्र दिखाए गए हैं। इन्हें पढ़कर आप देखिए, इनमें बताइए कि इनमें से तो जो पहला अणु एल्कोहल, इनमें से जो है कौन एल्कोहल के समजातीय श्रेणी से संबंध रखता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है आप देखिएगा इसे, बी और सी दोनों यहाँ पर सही आंसर है, जो कि अल्कोहल के समजातीय श्रेणी से संबंध रखते हैं। यहाँ पर चार दिए गए हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो जो बी और सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक लवण पानी में घुलकर उदासीन विलयन देता है, उसे पोटेशियम सल्फेट कहेंगे। पोटेशियम सल्फेट जो है इसका सही आंसर है। मिथेनॉल और इथोनिक अम्ल को कुछ बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो जो है मिथाइल इथोनेट बनता है, मिथाइल इथोनेट बनता है। अगला क्वेश्चन। किसने पदार्थ के कणीय स्वभाव की पुष्टि की? तो क्वांटम सिद्धांत ने ये पुष्टि की थी, क्वांटम सिद्धांत ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पदार्थ जिसमें कार्बन अणु संकरित अवस्था के द्वारा sp2 रूप में नहीं है, तो जो है एसिटिलीन है वो पदार्थ, एसिटिलीन वो पदार्थ है। अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन द्विक विस्थापन क्रिया नहीं है? तो जो इसमें हम देख रहे हैं तीसरा ऑप्शन जो है 2AgBr का रासायनिक उसकी अभिक्रिया के बाद जो है 2Ag+Br2 जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। सफ़ेद किरण के सात अलग रंगों में विभाजित होने को क्या कहते हैं? परिक्षेपण कहते हैं। पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग व भोजन बनाने से पहले चावल को धोने से खालिस्तान नष्ट हो जाता है, तो थायमिन नष्ट हो जाता है। थायमिन उसमें एक पदार्थ पाया जाता है, वो नष्ट हो जाता है थायमिन। घड़ी के छोटे हिस्से को देखने के लिए घड़ी बनाने वाला एक लेंस का उपयोग करता है, वह लेंस है, वह एक उत्तल लेंस है। अनाज की भूसी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अनाज की भूसी में जो है एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है, एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है। सामान्य मनुष्य के नेत्र की निश्चित दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो जो है 25 सेंटीमीटर सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन। जीभ भोजन का कौर बनाता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है, भोजन चबाने में सहायता करता है, भोजन को तोड़ने में सहायता करता है, तो भोजन का कौर बनाता है, भोजन का कौर बनाता है जीभ का मुख्य उपयोग। चलचित्र में किसका उपयोग होता है? चलचित्र में दृष्टि निर्बंधन का यूज होता है।
गाय और भैंस जैसे घास खाने वाले जानवरों के पास खाली स्थान होता है, चार आमाशय, ऐसे जानवरों के पास चार आमाशय होते हैं। लाल फूल वाले गुलाब के पौधे को नीले प्रकाश में रखा गया, फूल किस रंग का दिखा? काले रंग का दिखेगा, काले रंग का। मुंह में लार का क्या काम है? मुंह में लार का जो काम है, यह स्टार्च को शर्करा में बदलने में सहायता करता है। यह स्टार्च को शर्करा में बदलने में सहायता करता है। आवर्ती वर्गीकरण के चालकोजन वर्ग के दो तत्व जुड़कर ऐसे यौगिक देते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। उन तत्वों को पहचानें। वो तत्व हैं यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से सल्फर और ऑक्सीजन वो तत्व हैं, सल्फर और ऑक्सीजन। किसी एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर के मूलभूत क्या अंतर है? अब यहाँ पर चार अंतर दिखाए गए, तो मैं बता देता हूँ मूलभूत जो अंतर है। एसी जनरेटर में सर्पी वाले बने होते हैं, जबकि डीसी जनरेटर में द्विपरिवर्तक होता है, जबकि डीसी जनरेटर द्विपरिवर्तक होता है। तो ये जो है इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर जो मैंने बताया कि एसी जनरेटर के सर्पी वाले बने होते हैं, जबकि डीसी जनरेटर द्विपरिवर्तक होता है, सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहे थे। इनमें से कौन खाने योग्य फफूंद है? इनमें से खाने फफूंद अग्रिकस कैम्पेट्रिस, मोरसेला एस्क्यूलेंटा, ओडेक्सोन और प्रोडेक्सिस, उपरोक्त सभी। ये सभी जो फफूंद है वह खाने योग्य है, तो इसमें उपरोक्त सभी सही आंसर है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को खालिस्थान कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को। अगला क्वेश्चन, संक्रमण धातु श्रेणी के संबंध रखने वाले एक तत्व हल्के रंग का क्रिस्टलीय प्रकृति का सल्फेट लवण बनता है, उस लवण को गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और एक धातु के ऑक्साइड का भूरा निक्षेप मिलता है, वह लवण क्या है? तो जो लवण है FeSO4 है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन लाइकेन के लिए सतत नहीं है, सत्य नहीं है? तो जो इनमें से चार ऑप्शन है, तो इनमें जो है लाइकेन के लिए जो सत्य नहीं है वो ये है कि शैवाल और फफूंद के बीच में एक परजीवी संबंध होता है। ये जो है शैवाल और फफूंद के बीच में एक परजीवी संबंध होता है, ये सत्य नहीं है। भोजन पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? भोजन पकाने में जो है विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। स्तनधारियों के आंखों में समायोजन की क्षमता पर नियंत्रण लेंस के आकार के परिवर्तन द्वारा किया जाता है, यह खालिस्थान से संचालित होता है, सीलियरी पिंड द्वारा संचालित होता है, सीलियरी पिंड इसका सही आंसर है। पश्चिम की ओर क्षेत्र प्रक्षेपित एक एल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होगी, तो जो सही आंसर है ऊपर की ओर। हरी पत्तियों वाली सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है। एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन एक संलग्न समूह बनाते हैं, सही आंसर जो है एक संलग्न समूह बनाते हैं, एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन। खजूर बीज, सूखे बीन्स, सबूत अनाजों में खालिस्तान की प्रचुरता होती है, विटामिन B1 की प्रचुरता होती है, विटामिन B1 जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत धारा के स्थिर प्रतिरोधक से गुजरने वाला उत्पादित ऊष्मा किसके वर्ग के आनुपातिक है? धारक के परिमाण के आनुपातिक है। दो लंबे मटर के पौधों में संकरण करने वाले कुछ पौधे बोने पौधे पैदा हुए तो उनके जनक का जीन प्ररूप क्या होगा? तो उनके जनक का जो है, तो इनमें जब देखिए सेम आंसर कुछ मिलते हुए, तो इसमें जो सही आंसर है वो TT x TT है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ध्यान से देखना पड़ेगा कि पहला Capital T फिर T, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखकर सही आंसर पर टिक करिए और इसे याद करिए। मुंह और नाक के आसपास के हिस्से का सूखना या उस
पर दरार पड़ना किसकी कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है ये। पौधों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? पौधों में विटामिन K पाया जाता है। एक गज खालिस्तान के कारण पानी के अंदर हल्का लगता है? उत्क्षेप के कारण, उत्क्षेप के कारण हल्का लगता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कि इनमें जो कुछ कथन दिए हुए हैं तो इनमें जो है स्विच फ्यूज परिपथ वियोजक को उदासीन तार में लगाना चाहिए, यह जो कथन है वह सत्य नहीं है। यह कथन जो है सत्य नहीं है। बाकी घर के परिपथ में बल्ब को समांतर में प्रयोग किया जाता है, सत्य है ये। उपयोगकर्ता को प्रकाश से बचने के लिए बिजली पेश के भूतार धातु के केस में जुड़ी होती है। जब एक 3 सिरे वाले तार को 1 15 एम्पियर के 3 पिन वाले प्लग में जोड़ा जाता है तो लाल तार विद्युत पिन से जुड़ता है। ये सारे कथन सत्य हैं और जो मैंने टिक किया है वो गलत है, वो सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक प्रदूषित पानी का BOD होता है तो जो है इनमें से सभी आंसर सही है, सॉरी ये मतलब 17 PPM के बराबर तथा उससे अधिक होता है, तो जो है आपका सही आंसर है 17 PPM के बराबर तथा तो उससे अधिक होता है। निम्न में से किस ईंधन का उपयोग वाष्प ऊर्जा संयंत्र में नहीं होता है? तो यूरेनियम का यूज नहीं होता है। शैशव और बाल्यावस्था में थायराइड ग्रंथि का बढ़ा हुआ सोना कम वृद्धि या मानसिक मंदता की स्थिति को क्या कहते हैं? झींगा कहते हैं। कपड़ों को सुखाने के लिए फैलाकर तार पर क्यों टांगा जाता है? तो ये क्वेश्चन आपको पिछले पेपर में भी मिला था, पानी के वाष्पीकरण के दर को बढ़ाने के लिए। तो इसमें जो सही आंसर है, कुछ क्वेश्चन पिछले पेपर से भी मिल रहे हैं। विपरीत दिशा में समान वेग से चलने वाला एक ट्रक और एक कार की टक्कर होती है, ये टक्कर 3 सेकंड तक रहती है। इससे खालिस्तान के संवेग में थोड़ा परिवर्तन दिखाई देगा, दोनों के संवेग में थोड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। मृदा संरक्षण के लिए सीढ़ीनुमा तरीका किस क्षेत्र में प्रभावी है? पहाड़ी क्षेत्रों में ये प्रभावी है, सीढ़ीनुमा खेत वहीं बनाए जाते हैं। अच्छे वैज्ञानिक की विशेषता क्या है? ये कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, तो इनमें से सही आंसर जो है दूसरे मनुष्यों की सलाह स्वीकार करना, यह जो है सही आंसर है। एक लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका आभासी भार शून्य होता है, उसका आभासी भार शून्य होता है। रेशम कीट पालन के अपघटन अध्ययन को खालिस्तान कहते हैं? रेशम कीट पालन के अध्ययन को रेशम कीट पालन कहते हैं। निम्न पारिस्थितिकी तंत्रों में कहाँ अधिकतम जैव द्रव्यमान होता है? वन में अधिकतम जैव द्रव्यमान होता है। मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब तब सबसे कम होगा जब वह पृथ्वी पर पड़ा होता है, पृथ्वी पर वह जब पड़ा होता है। पवन चक्की से विद्युत बनाने के लिए हवा की गति कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए कम से कम। लोहे की कील पानी में डूब जाती है क्योंकि भार उत्प्लावन बल से अधिक होता है, भार उत्प्लावन बल से अधिक होता है इसलिए। लड़का विवेक से एक समतल दर्पण की ओर दौड़ता है, उसका प्रतिबिंब किस चाल से उसकी ओर दौड़ेगा? वी सही आंसर वी है, सेम चाल से। अगला क्वेश्चन, विनाइट्रीकरण का अर्थ क्या है? तो विनाइट्रीकरण का जो अर्थ है अमोनिया तथा नाइट्रेट का नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन, गैस ये सही आंसर है, अमोनिया तथा नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन। बांध की तली ऊपरी सिरे की तुलना में चौड़ी बनाई जाती है क्योंकि दाब गहराई के साथ बढ़ता है, क्योंकि दाब जो है गहराई के साथ बढ़ता है।
वैज्ञानिक विधि में यदि प्रयोग उसकी पुष्टि नहीं करता है तो परिकल्पना बदली जा सकती है। यह जो है सही आंसर है, यदि प्रयोग उसकी पुष्टि नहीं करता तो परिकल्पना बदली जा सकती है, इसका सही आंसर है। क्या चार ऑप्शन है, आप चारों को देखकर ही पढ़ाई करिएगा। क्या है कि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने एक राइट आंसर पर ही बात कर रहा हूँ। निम्न में से किसकी खेती चारे के लिए नहीं होती है, ये चार आंसर है। इनमें सही आंसर जो है अलसी की खेती जो है चारे के लिए नहीं की जाती है। एक तेज चाकू सेब काट सकता है क्योंकि संपर्क का क्षेत्र कम होता है, क्योंकि संपर्क का क्षेत्र कम होता है, सही आंसर है। एक प्याज के छिलके की अस्थायी मंज से दिखने वाली प्याज की कोशिका की बाहरी परत को कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति इसका सही आंसर है। धान के खेत का उपयोग किसके पालन के लिए किया जाता है, मछली पालन के लिए। अगला क्वेश्चन, जैसे जैसे उत्तापांश बढ़ता है वायुमंडलीय दबाव घटता है। पशु के कोशिकाओं को सामान्यतः खाली स्थान से चिन्हित किया जाता है, मिथाइलिन ब्लू से चिन्हित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन खरपतवार नहीं है, इनमें से एंथ्रेक्स जो है खरपतवार नहीं है। एंथ्रेक्स यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, एंथ्रेक्स सही आंसर। एक स्थायी स्लाइड की पतली झिल्ली वाली समवयसी कोशिका दिखाई देती है जिसमें बड़ी रिक्तिका होती है, उस स्लाइड में खाली स्थान होता है, उसमें मृद्युतक होता है, उसमें मृद्युतक होता है। एक वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु की चाल पर, वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, साइंटिफिक टेंपर या वैज्ञानिक मनोभाव इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग नेहरू जी ने अपनी किताब खालिस्तान में किया था। उस किताब का जो नाम है भारत एक खोज, भारत एक खोज इस बुक का नाम है। गाड़ी, पानी के जहाज और हवाई जहाज के कर्षण कम करने के लिए क्या दिया जाता है, एक सुव्यवस्थित आकार दिया जाता है। भंडारण के दौरान किसके द्वारा अनाज के नष्ट होने के नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बीज का चुनाव जो है सही आंसर है। निम्न में कौन 30 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, तो जो है गैलियम जो है 30 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। सिनेप्स एक खाली स्थान है, तंत्रिकाक्ष तथा द्रुमका के बीच का स्थान है, तंत्रिकाक्ष एवं द्रुमका के बीच का एक स्थान है सिनेप्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन तिलहन फसल नहीं है, तो जो मसूर जो है तिलहन फसल नहीं है। गर्मियों में आप किस प्रकार के कपड़े अधिक पसंद करते हैं, हल्के रंग के पतले कपड़े जो हैं गर्मियों में पसंद किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन विद्युत अपघट्य है, तो इनमें चार ऑप्शन है, इनमें जो है पानी जो है विद्युत अपघट्य है। समुद्री मत्स्य पालन में किस प्रकार की मछलियों का पालन शामिल है, 6 या अधिक किस्मों के संयोजन विभिन्न स्तरों पर खिलाने से, सही आंसर जो है स्टील की कढ़ाई की तली में तांबा लगाया जाता है क्योंकि स्टील की अपेक्षा तांबा उसमें का अच्छा सुचालक होता है, ये सही आंसर है। स्टील की अपेक्षा तांबा उसमें का अच्छा सुचालक होता है। किस किस्म की मधुमक्खी से अधिक शहद एकत्र होता है, तो इटालियन मधुमक्खी से अच्छा शहद एकत्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, इनमें से देखिए, तो संयोजन ये चार ऑप्शन है, देखिए ध्यान से। संयोजन अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण जो है हवा से संपर्क होने पर सोडियम धातु की चमक कम होती है, हवा के संपर्क पर सोडियम धातु की चमक कम होती है,
ये एक अच्छा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या मान है? तो यहाँ पर 255.23 केल्विन यहाँ पे जो है सही आंसर है। पृथ्वी पर उपलब्ध अलवणीय जल में लगभग खाली स्थान जल सतह पर पाया जाता है 1% से कम। वायु ऊर्जा का उत्पादन किस पर निर्भर करता है? वायु के वेग पर। यदि पानी का क्वथनांक 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उसका पाठ्यांक क्या होगा? 35 डिग्री सेल्सियस जो इसका सही आंसर है। आयरन सल्फाइड को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाने पर कौन सी गैस बनती है? रंगहीन और अप्रिय गैस, गंध वाली जो गैस बनती है, रंगहीन तथा अप्रिय गंध वाली, सही आंसर जो है। वायु में गैसीय तथा कणीय पदार्थों का स्तर को किस में मापा जाता है? पीपीएम में मापा जाता है, पीपीएम सही आंसर। यौगिक के संबंधन में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इनमें से जो सही तत्वों के अनुपात के अनुसार यौगिक की रचना बदल जाती है, ये जो कथन सत्य नहीं है। वनोन्मूलन से वर्षा बढ़ती है, भूमि की उर्वरता बढ़ती है, नदी में गाद बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो नदी में गाद बढ़ती है वनोन्मूलन से। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के मौसम में निम्न में से क्या परिवर्तन हो सकता है? तो ताप बढ़ोतरी, मरुस्थलीकरण, सूखा, उपरोक्त सभी सभी चीज़ें हो सकती हैं, उपरोक्त सभी जो है सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वचालित वाहनों में क्या लगाकर वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है? तो सही आंसर जो है उत्प्रेरक परिवर्तक लगाकर प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। चलिए देख, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। चलिए थैंक यू गाइस, तो ये थे, अगले मिलते हैं अगले सैम्पल पेपर के साथ कल, और इस पे हम 150 क्वेश्चन पे फिर बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।